वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते जे आई टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तहत ठही है उन मांग के सुल्तानी शायद बनाने लाइ दबाव वेदो पो वे उन मिठाई विराई हुई संदस चवण हो तो जे आई टी में जमा कागज शाम जो मीडिया से हुआ है मुसद्दिक मलिक मिठाई उन विराई तो वज़ीर आज़म हाउस जहाँ फोन टेप कया वन उन काबीना जरिए जे आई टी के ताकत दिनी वही तारिक शफी के धमकाय हिसाण की कोशिश कई वही संदस चवण हो तो आइन जो घुर्जू पूरी कदे जे आई टी के समूरी शाहिदू फराम कई व्यून मुसद्दिक मलिक जे आई टी मानून के सुल्तानी शायद बनाने बदना कतर जो दौरो छो न करे रहो आहे आप यहाँ पे लोगों को जो उनके ऊपर जबरदस्ती करने की या जबर करने की कोशिश कर रहे हैं वादा माफ गवाह बनाने के लिए इससे आधी कोशिश आप क्यों नहीं करते एक बिजनेस क्लास का या इकोनॉमी का टिकट लेकर कतर जाके जो सवालात आपके जहन में हैं वो उस खानदान से पूछ लें जे आई टी वट का शायदी है तो खेन धमकाय छो पो वे संदस चवण हो तो जे आई टी लंडन वही संदन दस्तावेज छो चेक कया मुसद्दिक मलिक एक नामालूम शख्स तस्वीर लीक कई संदस खिलाफ नामालूम जांच कई वही और जब वो तस्वीर लीक हुई जिसको बहुत बढ़ाया गया तो क्या इसलिए हमने मिठाइयां बांटी थी कि वो कागजात या वो दस्तावेजात या वो तस्वीर जो वहां पे जीआईटी के अंदर उनकी सुपरविजन के अंदर ली जाती हैं उनको एक सिलेक्टिविटी के साथ रिलीज किया जाए इसलिए हमने मिठाइयां बांटी थी उन्होंने जीआईटी कोशिश कर रही है तो 10 जुलाई का खेन वधिक वक्त मिली वने जे आई टी को मसूद महमूद गोले रही है संदस चवण हो तो मसूद महमूद जेड़े शायद जी गोला मां साजिश जी बू अची रही है तो ये जो मसूद महमूद की तलाश यहाँ पे है ये इसमें से साजिश की बू आती है मुसद्दिक मलिक चयो तो जिनके जांच लाए घुरा तीन के शायदीन ते बदल दस्तावेज फराम छो न कया व्यान उन जे आई टी 1977 में ज़ियाउलक तरफा मार्शल लॉ का टिन डी अंदर चूंडू कराने के वायदे वागुर कम कर रही है संदस चवण हो तो जे आई टी फैसलो कर चुकी है तो 60 दिन का वक्त घुरो वो ये जो 60 दिन का वाकया था अगर ये 60 दिन क्या खत्म होने को नहीं आएंगे जैसे पहले नहीं आए थे 10-12 साल मुसद्दिक मलिक चयो तो जे आई टी में इल्हाम थो तो तारिक शफी वज़ीर आज़म हाउस वो कैंसा मिलो जे आई टी के केर खबरों दे रहे है केर फोन टेप कर रहे है कौन उनको ये खबरें दे रहा है कहां से ये खबरें आ रही हैं क्या चीज वो टैप कर रहे हैं जिसके जरिए उनको ये तमाम खबरें मिल रही हैं उन्होंने तारिक शफी के 10-15 साल अंदर जेल में कैद करने की धमकी दिनी हुई।